हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा को बैंड्रा में स्पॉट किया गया है। वेल, आपको बता दें कि इस दौरान वो बेहद ही हॉट अंदाज में नजर आई हैं। तो वही दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया और अंकित तिवारी को एशिया म्यूजिक विजन के बाहर स्पॉट किया गया। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर वो अपनी रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे थे। तो वही शमा शिकंदा को बैंड्रा में स्पॉट किया गया। वेल, आपको बता दें कि सन ब्लैक कलर के फ्लोरल ड्रेस में शमा शिकंदा बेहद बला की खूबसूरत नजर आई हैं। वेल, आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जमकर पापाराजी को पोज भी दिए हैं। तो वही हर किसी को हर बार अपने ड्रेस सेंस से चौंका देने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद को एक बार फिर से एक अलग अंदाज में देखा गया है, जहां वो बहुत ही रेवलिंग ड्रेस में नजर आई हैं। वेल, आपको बता दें कि इस दौरान उर्फी जावेद ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, जो कि बहुत ज्यादा ही रिवेलिंग थी। वेल, इस दौरान उन्होंने जमकर पेपराजी को पोज दिया है। वही इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात रखी है। अब क्या कहा उर्फी जावेद ने, आइए देखते इस वीडियो में। वेरी माइंडफुल व्हाइल इवन मेकिंग सम स्टेटमेंट्स सो दैट वी डू नॉट हर्ट रिलीजियस सेंटीमेंट्स, बट also freedom of speech is important. As long as if I am not hurting any religious sentiment, I should be allowed to speak whatever I want. Against a particular individual, yes. Threats are not good at all. It is definitely not good for anyone to threat anyone. Whatever she did, Supreme Court is there to handle the case or whatever. We cannot take the law in our hands. तो वही दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की कंटेस्टेंट एरिका पेकार्ड को स्पॉट किया गया है बैंड्रा में। मैं आपको बता दें कि इस दौरान एरिका पेकार्ड बेहद ही हॉट अंदाज में नजर आई हैं और उन्होंने जमकर पेपराजी को पोज भी दिए हैं। तो वही आदित्य रॉय कपूर को टी सीरीज के ऑफिस के बाहर देखा गया। मैं आपको बता दें कि इस दौरान वो अपनी फिल्म ओम राष्ट्र कवच के सक्सेस के दौरान नजर आए हैं। मैं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जमकर पेपराजी को पोज दिया और अपने फैंस के साथ फोटोज भी क्लिक करवाई है। तो वही बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा को मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया है। वह आपको बता दें कि इस दौरान जेनेलिया बेहद ही कैजुअल अंदाज में पेपराजी को पोज देती हुई नजर आई हैं। तो वही टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना को जुहू में स्पॉट किया गया है। वह आपको बता दें कि इस दौरान करिश्मा तन्ना बेहद ही कैजुअल अंदाज में पेपराजी को पोज देती हुई नजर आई हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।